जरा इमेजिन करिए उस जिंदगी को जो हम आज से 150 साल पहले जीते थे। सूरज ढलने के साथ ही चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य होता था। हम लालटेन की मदद से थोड़ी सी रोशनी ही कर पाते थे। लोग मशाले जलाकर सफर करते और सुबह का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर जन्म लिया एक ऐसे इंसान ने जिसने दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशन किया। वो इंसान था निकोला टेस्ला। ये कहानी है उसी रहस्यमय वैज्ञानिक की जिसने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। इंसान और विज्ञान दोनों निकोला टेस्ला के योगदान को कभी नहीं भुला सकते, लेकिन इस महान वैज्ञानिक के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसीलिए टेस्ला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं हम, जिन्हें सुनने के बाद आप यही कहेंगे, क्या बंदा था यार। तो चलिए शुरू करते हैं। Facts on your face. Fact number one, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया में हुआ था और कहा जाता है कि इनका जन्म भयंकर तूफान के दौरान हुआ था। निकोला के पिता चर्च में एक पादरी का काम करते थे, लेकिन वो उनकी माँ थी जिन्होंने टेस्ला को खोज करने के लिए प्रेरित किया। फैक्ट नंबर टू, टेस्ला की विजुअलाइजेशन बचपन से ही बहुत पावरफुल थी। कोई बात सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो इमेज बन जाती। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अक्सर विजन्स या फिर चित्र दिखते हैं। अलग अलग तरीकों से इनको रोकने के बरसक प्रयासों के बाद अंत में टेस्ला ने इन्हें रोका नहीं, इन पर नियंत्रण करना सीखा और इनकी मदद लेनी सीखी। इन विजन्स ने टेस्ला के प्राण भी बचाए और आविष्कारों में इनकी मदद भी की। फैक्ट नंबर थ्री, टेस्ला बचपन से ही कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे जिसके कारण आसपास के गांव में भी उनकी चर्चा होती रहती। वह इंटीग्रल कैलकुलस के कठिन से कठिन सवालों को बिना किसी गलती के ही अपने माइंड से ही हल कर देते थे और उनके टीचर्स को लगता था कि वह चीटिंग कर रहे हैं। टेस्ला कड़ी मेहनत करते थे और इसीलिए उन्होंने 4 साल की पढ़ाई को 3 सालों में ही पूरा कर लिया। 1873 में वे ग्रेजुएट हो गए। फैक्ट नंबर फोर, वो थॉमस एल्वा एडिसन के कंपटीटर हुआ करते थे, लेकिन वो इतने लोकप्रिय नहीं हुए जितने एडिसन। सबसे मजेदार ये है कि उन्होंने एडिसन की कंपनी में काम भी किया। एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी ने टेस्ला को शहर में लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का काम दिया। जब कंपनी मैनेजमेंट को पता चला कि टेस्ला को फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में खासी रुचि है, उन्होंने एडिसन के डीसी पावर इंस्टॉलेशन और जनरेटर की इम्प्रूवमेंट का उसे काम दे दिया। फैक्ट नंबर फाइव, थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का प्रयोग करती थी, लेकिन डीसी पावर में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कमर्शियल मशीन्स के लिए इसका आउटपुट बेहद ही कम था। दूसरा, कहीं भी डीसी सप्लाई होने के लिए 1 मील के अंदर एक डीसी पावर स्टेशन जरूरी था। इस समस्या को निकोला टेस्ला जानते थे और इसी वजह से वह अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर काम कर रहे थे। टेस्ला जब एडिसन के वहां काम करते थे तब उन्होंने एडिसन को अपनी एसी मोटर का मॉडल भी दिखाया था। एडिसन को पहले से ही टेस्ला के उस इन्वेंशन के बारे में पता था। उन्होंने टेस्ला से ये कहा था कि उनका एसी मोटर बेकार है और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक भी है। एडिसन को पता था कि अगर एसी मोटर मार्केट में आ गया तो उनके डीसी करंट सिस्टम के बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। फैक्ट नंबर सिक्स, 1890 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिसन से पूछा कि वह अपराधियों को सजा देने के लिए कोई नया तरीका बताएं। बदले की आग में जल रहे एडिसन ने उन अपराधियों के ऊपर जिनको मौत की सजा मिली थी एसी करंट का झटका दिलवाया। फैक्ट नंबर सेवन, टेस्ला ने फिर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें पहले तो इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर जेपी मॉर्गन ने उनको फंड किया इस शर्त पर कि वायरलेस पेटेंट से होने वाला 51% शेयर उनका होगा। इसी बीच जेपी मॉर्गन को ये पता चला कि टेस्ला वायरलेस लाइटिंग के प्रोजेक्ट से दुनिया में मुफ्त की बिजली बांटना चाहते हैं, और ये जानकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में और पैसा लगाने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर एट, 1890 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर सर्किट है जिसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज लो करंट हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को बनाने के लिए किया जाता है। आज भी टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर नाइन, टेस्ला को बचपन में एक सपना आया था कि इंसान नाइग्रा फॉल से बिजली बना रहा है। नाइग्रा फॉल से 225,000 क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड बहता है, जो कि इतनी पावर पैदा करता है जितनी पावर 200,000 टन कोयला जलाने से मिलेगी। 1893 में नाइग्रा फॉल्स की पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम टेस्ला की मदद से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर इलेक्ट्रिक कंपनी को मिला। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें थॉमस एल्वा एडिसन को बहुत नुकसान हुआ, और इसी कारण एडिसन को उनकी खुद की कंपनी ने एसी सिस्टम का विरोध करने के लिए डायरेक्टर के पद से हटा दिया। 1896 में टेस्ला ने एक बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को नाइग्रा फॉल्स में इंस्टॉल किया, और फिर शुरुआत हुई इलेक्ट्रिकल युग की जिसने अमेरिका के घर घर में रोशनी पहुंचा दी। इसके साथ ही साथ एक नई औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 10, टेस्ला के नाम 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स दर्ज हैं।
टेस्ला कॉइल, टेस्ला टर्बाइन, शेडोग्राफ, एसी इंडक्शन मोटर, रिमोट कंट्रोल, एक्सरे, रोबोटिक्स, लेजर और रडार जैसी कई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं जिनसे टेस्ला का डायरेक्टली नाम जुड़ा हुआ है। सबसे खास बात ये है दोस्तों कि टेस्ला फ्री एनर्जी की वकालत करते थे। वो मानते थे कि हमारे पृथ्वी के संसाधन इंसानों में बराबरी से बंटने चाहिए। फैक्ट नंबर 11, निकोला टेस्ला का कद 6 फुट 2 इंच था। वह एक जेंटलमैन की तरह कपड़े पहनते थे। वह काफी अट्रैक्टिव थे जिन पर कई औरतें फिदा होती, लेकिन वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। टेस्ला का मानना था कि ब्रह्मचार्य उनकी अद्भुत बौद्धिक एवं आविष्कार करने की क्षमता का रहस्य था। फैक्ट नंबर 12, टेस्ला कबूतरों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें रोज दाना भी डालते थे। एक बार जब उन्होंने नोटिस किया कि चुगने आए कबूतरों में से एक कबूतर के पैर और पंख पर चोट लगी है, तब टेस्ला ने $2000 खर्च किए और कबूतर की टांग के लिए एक सपोर्ट डिवाइस बनवाया। फैक्ट नंबर 13, टेस्ला के सभी आविष्कार पूरे नहीं हुए। उनके कुछ अधूरे आविष्कार जिनमें धरती हिलाने की भूकंप मशीन, सारे युद्धों का अंत करने के लिए डेथ बीम और कृत्रिम तरीके से लहू को निकालने की कल्पना शामिल थी। जब टेस्ला की मृत्यु हुई तब वो डेथ बीम पर ही कई सालों से काम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 14, टेस्ला का कहना था कि उनको अपने आविष्कारों की प्रेरणा रहस्यमय रूप से मिलती है। उन्हें समय समय पर रोशनी की तेज चमक दिखाई पड़ती थी जिसके बाद उन्हें ये सब प्रेरणाएं मिलती थी। दोस्तों ये बेहद रोचक है क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन भी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी प्रेरणा स्रोतों का बखान करते थे। ये चमक उनको कठिन से कठिन भौतिक और गणित के सवाल हल करवा देती थी। फैक्ट नंबर 15, बुढ़ापे में टेस्ला को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई। 1943 में टेस्ला की मृत्यु के बाद उनके सभी पेपर्स, ऑनर्स और डिप्लोमा उनके भतीजे सावा कोसानोविच के कब्जे में आए, जो आज भी बेलग्रेड के निकोला टेस्ला म्यूजियम में महफूज हैं। तो दोस्तों यही खत्म होता है फैक्टिफाइड पर आज का सफर। इस असाधारण से वैज्ञानिक की ये अविश्वसनीय कहानी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करें हमारा फैक्टिफाइड चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।